होटल का जमता है कि खाना अच्छा मिलता था आज मिलेगा रिव्यूज देख के, पर नेचर का नहीं जमता कि कल दिखता था आज दिखेगा। भाई मैं तो धन्य हूँ इतनी सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों को। भाई ने डरी नहीं है, ये पूरा जंगल वाला एरिया है। लेकिन मैं वहां तक पहुंचा था बेंड तक, टाइगर क्रॉस मार गया। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 4:30, मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी। आज है हमारी मॉर्निंग सफारी। आज की सफारी इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि आज है हमारा बिजरानी जोन। आज का ब्लॉग जो है वो मेरे घर से ही शुरू हो रहा है भाई, क्योंकि मेरा जो घर है वो कॉर्बेट ऑफिस रामनगर से 15-16 किलोमीटर दूर है। तो मैं घर से अपने पर्सनल व्हीकल से जाता हूँ, वहाँ से जिप्सी से जाता हूँ। कितनी सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों को। भाई ने डरी नहीं है, ये पूरा जंगल वाला एरिया है। मैं रोज आता हूँ, मुझे 4:30 या 5 बजे के टाइम पे यहाँ पे रामनगर सिटी के लोग वॉक करते हुए मिलते हैं। कई दफे फॉरेस्ट वालों ने समझा भी दिया है इनको। फाइनली गाइस पहुंच गए रिजॉर्ट। भाई ये वही गेस्ट हैं जिनकी कल इवनिंग की सफारी थी झिरना जोन। इनकी कल सुबह झिरना थी, कल शाम झिरना थी, और आज सुबह इनकी है बिजरानी जोन। तो यार पहुंच गए हमारे गेस्ट, ये हमारे गेस्ट हैं। इन्हीं की बात कर रहा था, बताए थे ना कल शाम की सफारी थी, कल सुबह भी इनकी सफारी थी, आज सुबह इनकी बिजरानी है। भाई ये है हैदराबाद से, अभी मुझे पता चला, और ये हैदराबाद से गाड़ी चला के लाए हैं। तो भाई निकलते हैं। तो यार रिजॉर्ट से निकल चुके थे, अभी हम रास्ते में हैं, बस 2 किलोमीटर हमारा एंट्री गेट है, पहुंचने वाले हैं। हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया, सभी क्लाइंट बैठ गए हमारे, बस यही सामने हमारा बिजरानी गेट है। हमारे बाग में 65% साल ट्री है, 60 या 65-70% साल ट्री है। ये हमारा नेचुरल ट्री है, इसका बॉटनिकल नेम है सूर्य रोबस्टा, और हमारे लोकल में कहावत है इसका 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा, 300 साल एज माना जाता है। आयरन वुड बोला जाता है इसे, अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा भारी तादाद में हमारे यहाँ से साल कटवाया था। साल कटवा क्या यूज़ करते थे, क्यों कटवाया था इसका? यूज़ करते थे रेलवे ट्रैक बनाने में, जो नीचे स्लीपर लगता था ना उसमें। आपने काठगोदाम रेलवे स्टेशन सुना है? लास्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, उसका नाम क्यों पड़ा? काठ, लकड़ी को हिंदी में काठ बोला जाता है, याद है? वहाँ पे साल की लकड़ी, मतलब साल काठ का, साल की लकड़ी का बहुत बड़ा गोदाम होता था, काठ का गोदाम होता था। तो वहाँ से वो ट्रेन से नीचे सप्लाई करते थे पूरे इंडिया में, इसीलिए उसे आज काठगोदाम रेलवे स्टेशन बोला जाता है। और बाकायदा ताजमहल के नीचे जो गुंबद लगे हुए हैं वो लकड़ी इसी साल वुड के, इसमें जितना पानी पड़ेगा ये उतना मजबूत होता जाएगा, मतलब इतना मजबूत होता है इसमें। आपका अगर कोई डबल बेड वगैरह आप इसका बनवा रहे हो ना, तो 2-4 आदमी नहीं उठा सकते हैं उसे, काफ़ी वेटेड होता है ये। और एक खास चीज़ और, आप इसे प्लांट नहीं कर सकते हो, हाँ ये होगा तो नेचुरली होगा। और ये पेड़ क्या करता है, जैसे टीक वुड था, टीक वुड स्वार्थी पेड़ होता है, ये अपने नीचे कुछ उगने नहीं देता, और टीक वुड प्लांट है, और जो नेचुरल है वो पेड़ इतने अच्छे हैं, ये अपने साथ साथ और पेड़ों को भी ग्रो करते हैं। साल का पेड़, तो साल का पेड़ क्या करता है, बरसात में पानी को रोक लेता है, जब गर्मी पड़ती है तब एक टेम्परेचर मेंटेन करता है, रिलीज करता रहता है। कोई मदद करो। तो ऐसी कंडीशन भी, पर ऐसे में उतरना पड़ेगा भाई। फॉरेस्ट की चौकी है, सोलर फेंस तो है यहाँ पे, पर ये गड्ढा क्यों किया हुआ है? भाई गड्ढा इसलिए किया हुआ है, जब एलिफेंट का मूवमेंट का टाइम होता है ना, अगर एलिफेंट का फुल मूड है ना, अपन को अंदर जाना ही जाना है, तो एलिफेंट क्या करेगा पता, इसमें लकड़ी डाल के डिफ्यूज करेगा, फिर अंदर चले जाएगा। तो फॉरेस्ट वाले क्या करते हैं भाई, गड्ढा कर देते हैं कि एलिफेंट जंप ना कर पाएगा, ठीक है? तो ऐसे अपने को सेफ रखते हैं जो जंगल के अंदर पेट्रोलिंग स्टाफ। पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई हमारी, ऐसी हमें कई सारे ऐसे रिवर बेड मिलेंगे जिन्हें क्रॉस करते हुए अंदर जाएंगे इस जोन में। कल तो एक दो मिले थे, आज बहुत ज्यादा मिलेंगे। और जैसे इस एरिया में आप पहुंचते हो तो कई लोग बैठे हैं, सब दूर दूर तक नजर मार लें, जिसकी नजर जहां तक जा रही है वहां तक सर्च करें।
देखने में आपको बहुत खूबसूरत मिलेगा ये जोन, और इसके तो इतने लिंक रोड है कि आप एक सफारी में पूरा बिजरानी घूम ही नहीं सकते हो जी। कम से कम तीन सफारी चाहिए आपको, दो तीन सफारी अगर पूरा इसका पार्ट घूमना है। क्या दिख रहा है भाई? गाड़ियां खड़ी हुई है, नॉर्मल इनके लिए अपना वेट टाइम नहीं खर्च करना है, दो दिन से यही देख रहे हैं। हमारी वन देवी का मंदिर आ गया है, माता को कहेंगे प्रणाम और आगे बढ़ेंगे। बढ़िया करना सफर। अब हम पहुंचने वाले हैं पिजरानी अपने कैंपस। सिर्फ एक मिनट का ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। मैं परमिट चेक करा के आऊँगा, फिर सीधे अपनी सफारी शुरू करेंगे। जो बिजरानी मैं बता रहा था आपको फोटोज़ वगैरह, वो हम आते वक्त करेंगे, ठीक है? सुबह की सफारी का टाइम है ना, तो सुबह का ज़्यादा ज़रूरी है, पहले आगे जंगल को निकलेंगे। यहाँ पे आप नाइट स्टे भी कर सकते हो, जैसे जिरना जोन में मैंने दिखाया था दो रूम थे, पर बिजरानी जोन में ज़्यादा रूम है। चारों तरफ से सोलर फेंस रहता है इसमें, और इधर सारा ग्रास लैंड है। कई दफ़े तो ऐसा होता है समर में कि लोग अपने कैंपस, सामने वाला कैंपस में बैठे हैं और उधर वाले जो वाटर बॉडी है वहाँ पे टाइगर देख रहे हैं, दिन में जो स्टे करते हैं नाइट स्टे। एक मिनट का टाइम लूँगा मैं यहाँ पे, और एक मिनट का टाइम लेंगे और सीधे निकलेंगे, ठीक है? भाई ऐसा है, हमने यहाँ पे क्यों नहीं रुके? देखो सफारी क्लाइंट खुद अवेयर होना चाहिए अपनी सफारी को लेके। फिर लोग बोलते हैं हमें दिख नहीं रहा है। भाई ये क्या है ना, आप आए सफारी में, यहाँ पे क्लाइंट आते बोलते अरे यार चलो चाय पी लेते हैं। भाई चाय पीने थोड़ी आए हो आप यहाँ पे, जितनी देर में आप चाय पी रहे हो क्या पता अंदर टाइगर का मूवमेंट हो जाए। तो देखा आपने कम से 10-15 गाड़ियों को हमने पास ले लिया, हम आगे चले गए, तो वहाँ रुकना वेस्ट है भाई। आप गाड़ी वाले को बोलोगे उसे क्या प्रॉब्लम है, वो तो रुक जाएगा, आपने खुद सोचना है ना। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से राउंड सर्कल आ गया, पहले हम किचार वाली रोड में जाएंगे। किचार वाली रोड में अच्छी साइटिंग है, इधर को निकलेंगे हम, और इधर ठंडा बहुत लगेगा आपको, हाँ बहुत ठंडा है, मतलब गर्मियों तक मैं यहाँ पे ठंडी रोड बोलते समझ लो, ठंडी रोड हो गई। सूर्य देवता निकल गए, सूर्य देवता को करेंगे नमस्कार। पाला पड़ रहा है ना, देख रहे हो पाला पड़ रहा है, पूरा जम गया है वाइट वाइट, बर्फ नहीं गिरती इधर। हाँ ये पूरा हमें जंगल जो है जामुन का फॉरेस्ट मिलेगा, बहुत खूबसूरत जंगल। इधर फ्रूट में एक नया चीज होता है, जैसे झिरना में मैंने आपको बताया था बेल है, आंवला है, तेंदू है, यहाँ पे आपको मिलेगा संतरे का पेड़ भी। हाँ आगे लगे हुए है ना, संतरे के पेड़ भी लगे हुए हैं, एनिमल्स के लिए है, पर हाँ सब एनिमल्स का फूड है। शायद अपनी तरफ देखेंगे, उस तरफ मुझे टाइगर के पंजे लग रहे हैं, क्या मैं सही हूँ? उस तरफ आपकी तरफ देखो, लग रहा है या कुछ और है? पुराने नहीं है भाई, उस साइड भी है पंजे। क्या है पंजा? ये इधर दिख रहा है ना, फ्रेश पंजे, पर ये नीचे को जा रहा है टाइगर ना, हैवी है। बस भाई नजरें चौकन्नी रखनी है, मेहनत करनी है, मिल गए।
पास लिया है तो यार कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। क्यों पानी पानी इस जोन में देखो कितना पानी आ गया। बहुत फेमस टाइग्रेस थी शर्मिली जिसने बिजरानी जोन को डिकाला जोन के बाद डे विजिट जोन में सेकंड नंबर पे ले आया था। भाई वो इतनी यूज्ड टू टाइग्रेस थी बोलते थे कि फोटो खिंचवाने बाहर आती है, मतलब जब 30 गाड़ियां पहुंच गई ना तो आराम से बाहर आ जाएगी, कहने का मतलब उसे प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो बहुत यूज्ड टू हो गई थी, भागती नहीं थी। बट लॉकडाउन में वो पॉर्क्यूपाइन के हमले से मर गई है। लॉकडाउन के बाद जब पार्क खुला शर्मिली दिखनी बंद हो गई। लोग पुराने रिव्यूज देख के सोचते हैं कि आज भी वो दिखती होगी। भाई होटल का जमता है कि खाना अच्छा मिलता है, मिलता था आज मिलेगा रिव्यूज देख के, पर नेचर का नहीं जमता कि कल दिखता था आज दिखेगा। तो लॉकडाउन के बाद साइटिंग घिरना में सच्ची है, अगर वो शर्मिली होती ना अभी पंपर साइटिंग, शायद ही कोई ऐसा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होगा, शायद ऐसा कोई क्लाइंट होगा जो उस दौर में शर्मिली की दौर में यहाँ आया हो और उसे शर्मिली ना दिखी हो। एलिफेंट ने पेड़ गिराया था ना। गरम गरम टाइगर मिल जाए ना तो मजा आ जाए सच में, सारी ठंड दूर हो जाएगी। एक मिनट जरा तुरंत जाके हमने जाना वैसे इस वाले ट्रैक पे, मैं थोड़ा आगे नाले तक सर्च करके आने सोच रहा हूँ। ठीक है, जो मैं उस दिन आपको बात बता रहा था ना कि मैंने टाइगर को हमें देख रहा था 15 मिनट से, वो बात यहीं पे की तो है। इधर से टाइगर हमसे मिस हो गया, मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया, मैं टर्माइट हिल भी दिखाऊंगा ये वाले पॉइंट में। ये पीछे एक दिख रहा है झाड़ के पीछे, एक टर्माइट हिल दिख रहा है, दिख रहा है पतले वाले झाड़ के पीछे थोड़ा सा उसका ऊपर का टूका दिख रहा है, गड्ढा है ना वहाँ पे, वहाँ बैठा था टाइगर। बैठा तो अभी कुछ है भाई यहाँ पे, क्या है, डियर है, दिख रहा तुम्हें डियर? डियर दिख रहा, सांबर डियर, जैसे यहाँ डियर बैठा है वैसी हुआ है, सांबर डियर है, देखो दिख रहा है ना वो ऊपर देख रहा है, देखो एक पीछे भी है छोटा। अरे क्या है मोहन, पंजी पंजी, नमस्कार, चलो आप कहाँ से आ रहे हो वापस? हम यहीं से। इन्होंने भी वही ट्रिक की जो मैंने की, क्योंकि सबसे पहले आते ही खुला एरिया देख लिया, क्या पता हम अंदर डांस में जा रहे हैं टाइगर वहाँ फर्स्ट क्लास खुले में घूम रहा है, जब तक हम आए तब तक अंदर चले गया। तो ये लोग चेक करके आ गए, हम भी उसी तरफ को निकलेंगे। ठीक है, वहाँ के मुकाबले आपको फॉरेस्ट अच्छा लग रहा होगा यहाँ का, है ना, काफी डेंस है गुजरानी, हम जंगल खूबसूरत, यहाँ ना दिखे कुछ पर जंगल में आपको मजा आ जाएगा। ऐसा भी नहीं, साइटिंग भी जबरदी जबरदस्त है, अगर ये समर में देखो क्या होता है, बच्चे थे वो मार दिए दूसरे बाघ ने। पर हमारे वाले गेस्ट को उस दिन नहीं, ये जो टाइगर ये नहीं दिखा, ये खाली ऊपर ही दिखा उस दिन। मैं बताता हूँ, जैसे आप रेड कलर कल पहन के आए थे ना, हुआ क्या था, बहुत देर हो गई टाइगर निकला नहीं, जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी, एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी एक गाड़ी पीछे खड़ी थी, तो जब मैं यहाँ से गाड़ी घुमा के लेके मैं वहां तक पहुंचा था बेंड तक, टाइगर क्रॉस मार गया, मतलब लड़कों के मुझे आवाज देने तक मैं आगे बढ़ चुका था। तो बोले युवराज भाई, जब मैं आया आगे से लौट के, बोले यार तुम जैसे ही निकले, फिर मैं समझ में आया कि मेरी गाड़ी के यहाँ पे टाइगर क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि हमारी गाड़ी में दो लोगों ने एकदम डार्क रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसे हम बहुत अच्छा खासा जज हो रहे थे, जैसे ही हमारी गाड़ी उसने जाते हुए देखी वो निकल के क्रॉस मार गया, ये हुआ। आवाज थी करना।
ज्यादा रोड है तो ज्यादा रोड है हमारी कवर हो, तो हम क्या है ना चलते रहेंगे धीरे धीरे, और जब कोई अलार्म कॉल मिलेगी तभी हम रुकेंगे, ऐसे बिना वजह कहीं नहीं रुक जाएंगे। ठीक है, बिजरानी जोन काफी बड़ा है जोन है, तो गवर्नमेंट ने इसके दो पार्ट कर दिया, इसका एक पार्ट बना दिया गर्जिया जोन। अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसके उस तरफ दूसरा जोन आ जाएगा, हम उधर नहीं जाएंगे, वहां से वापस आएंगे, उसकी एंट्री दूसरे गेट से होती है। ये आ गए हम लास्ट पॉइंट पे, इससे हम उधर नहीं जा सकते, इससे उधर को दूसरा जोन है गर्जिया जोन। पहले ही बिजरानी का ही पार्ट था, पहले जा सकते थे, बड़ा जोन होने की वजह से कवर नहीं होता पाता करके गवर्नमेंट ने इसके दो पार्ट कर दिए, इसे बना दिया गर्जिया जोन। एक मिनट का ब्रेक लेंगे, थोड़ा सुनेंगे जंगल को। दादी नमस्कार, क्या माहौल, कोई कॉल वॉल कुछ नहीं? उस जगह का नाम है चीड़धार, और भी बहुत एरिया पड़ेंगे, पाइन के पेड़ है, चीड़ को समझ गए, चीड़ क्या बोल रहा हूँ मैं, चीड़ को पाइन को बोला जाता है ना, तो कुछ पाइन के पेड़ हैं, उस टाइम में ब्रिटिशियन होंगे ना जब यहाँ पे, तो कुछ पेड़ इन्होंने यहाँ भी लगा रखे हैं। लगे ना पंजे देखो, ये आगे तो चलाओ, आगे तो जा ही रहे वहाँ वहाँ पे, तो पंजे हमें ले जाते हैं, बट पंजों से क्या है ना, मैं अब देखो पंजे अगर रोड के अंदर जा रहे होंगे तो इसके पीछे तो जाएंगे नहीं, अलार्म कॉल से थोड़ा पता हो जाता है कि दूर अगर भागे तो पता चल जाएगा, है ना, पंजों से चलो 40% हमें पता चल जाता है कि हमने इस तरफ को ज़्यादा वर्क करना है, पर टाइगर चला तो है, शांत हो गए, देखते हैं क्या पता पंजों से ही मिल जाए। अरे यहाँ तक पहुँचा, ये पहुँचा ना यहाँ तक, कैसे वहाँ तक जा रहे हैं पंजे, जिस भी बाप की टेरिटरी है, मतलब बहुत अच्छा एरिया है उसके पास ना, पानी वानी सब अवेलेबल है। अच्छा लग रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे हो, गाना आना सुना दो बैठा हुआ देख रहा है।
अभी भी हम इतना घूम रहे हैं ना, वो तो कहीं पे पंजे लगे हैं, कहीं ज्यादा दूर थोड़ी होगा, बैठा होगा, देख रहा होगा भाई। अच्छा, हमें तो तब दिखेगा जब वो प्रॉपर तरीके से बाहर आएगा या कोई अलार्म कॉल होगी। बेबी भी था इसके साथ ना, फैमिली रहने मतलब। फायरलैंड का मतलब है जंगल में ना अधिकतर आग भी लग जाती है, तो जो फॉरेस्ट के ट्रैक होते हैं ये आग को मतलब जंगल को बचाने का काम करते हैं। जैसे इस तरफ आग लगेगी तो इस तरफ नहीं आएगी, वैसे फायरलाइन डाल देते हैं जंगल में। लिखा हुआ ना इधर वाली फायरलाइन, समझा, इधर भी लगा हुआ है। आगे बिल्कुल पंजे नहीं है, टाइगर वहां से चढ़ गया था ऊपर, अब सुनाई दे रही कहीं बार्किंग की कॉल। और बार्किंग हिल वाले एरिया में स्पॉटेड के बदले बार्किंग डियर ज्यादा मिलते हैं, बार्किंग और सांबर ना। इतना परसेंट श्योर नहीं होता बार्किंग का कॉल, क्योंकि बार्किंग किसी भी चीज को देख के डर के चिल्ला जाता है, बट यहाँ पे क्या माहौल था, बहुत देर से कोई कॉल नहीं मिल रहा था ना, इसलिए हम बार्किंग की कॉल पे आगे निकल रहे हैं। अंजे मिले हैं यार यहाँ पे। एग्जिट गेट ठीक है, बाग तो दिखा नहीं, पर कैसा लगा, अच्छा लगा? मुंह क्यों लटका रखे हैं फिर? ठीक है, वही एग्जिट गेट आ गया अपना, चलते हैं।